हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक जैन आपका स्वागत करता हूं मार ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा, एनडीए सेकंड के कई सारे हमने बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो थे सॉल्व किए थे, तो हमारी इस सीरीज में अब हम आगे बढ़ रहे हैं एनडीए वन के क्वेश्चन के साथ। हम धीरे धीरे करते हुए सारे सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे और हमने शुरुआत की है अभी बायोलॉजी से। तो इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आज हम देखने वाले हैं कौन सा पेपर, पेपर वन, जो कि अप्रैल में हुआ था एनडीए वन का। ठीक है, तो आइए देखते हैं बायो के क्वेश्चंस। पहला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एनिमल सेल इज करेक्ट, यानी एनिमल सेल के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही लग रहा है। तो पहला, दे आर कंपोज ऑफ फॉस्फोलिपिड्स ओनली। ठीक है, अगला देखते हैं, दे आर कंपोज ऑफ प्रोटीन्स ओनली। दे आर कंपोज ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स ओनली, और दे आर कंपोज ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन एंड कोलेस्ट्रॉल। तो अब यहाँ पे दो ऑप्शन जो ऐसे हैं वो थोड़े से हमको लग रहे हैं, तो पहला तो फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन्स, और दूसरा ऑप्शन हमको कौन सा मिल रहा है, फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन एंड कोलेस्ट्रॉल। तो अब यहाँ पे हमने एक चीज डिस्कस की थी, हमारी क्लास में भी हमने ये बात देखी है कि लिपिड्स जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो एनिमल सेल जो है उसका मेम्ब्रेन किससे बना होता है, प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल या लिपिड और फॉस्फोलिपिड्स। तो यहां पे हमारे पास में आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। ठीक है, तो आंसर क्या है हमारा, डी, यानी पहली चीज किससे बनी है, फॉस्फोलिपिड से, प्रोटीन से और कोलेस्ट्रॉल से। तो ये चीज यहां पे हमको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या मिलेगा हमको, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। काफी इजी सा क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि यहां पे हम क्या देख रहे हैं, हमारे पास में सीधा सीधा आंसर मिल रहा है कि रेटिना तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में होगा नहीं। रेटिना किसका पार्ट होता है, तो ह्यूमन आई का, तो इसलिए हमारा आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, रेटिना। और अगर ये भी कोई गलत कर दे तो फिर बात अलग। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन द करेक्ट सीक्वेंस इन इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब पूछ क्या रहा है कि कौन सा सही ऑर्डर है, कि सबसे पहले किसका फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद किसका फॉर्मेशन हुआ। तो यहां पे हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या दिया हुआ है हमको, सारे ऑप्शन में प्रोटीन दिया है। ठीक, अल्टीमेट बात यह है कि सारी चीजों की शुरुआत कहां से हो रही है, प्रोटीन से। ठीक है, तो प्रोटीन से सीधा ऑर्गेनिज्म तो बनना बिल्कुल इंपॉसिबल, प्रोटीन से ऑर्गन्स ये भी नहीं हो सकता, प्रोटीन से ऑर्गेनिज्म फिर से, तो ये तीन ऑप्शन तो हम ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं। तो प्रोटीन से किसका फॉर्मेशन होगा, टिश्यू का। ठीक, और टिश्यू से फिर बनेंगे ऑर्गन, और फिर अगली चीज क्या आ जाएगी, ऑर्गेनिज्म। तो अल्टीमेट बात यह है कि ये जो प्रोटीन्स मिलेंगे ये हमको कहाँ मिलेंगे, हमारे सेल्स में, और इन्हीं से हमारा डीएनए वगैरह वगैरह जितनी भी चीजें हैं उनका फॉर्मेशन होना है। यानी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कौन होता है, प्रोटीन। तो इन्हीं प्रोटीन के संयोजन से या इन्हीं के एसोसिएशन से फॉर्मेशन होता है किसका, टिश्यू का। और टिश्यू के बाद हमको कौन मिलेंगे, ऑर्गन, और ऑर्गन्स मिलने के बाद ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स के बाद हमको क्या मिलता है, ऑर्गेनिज्म। तो यहां पे हमको क्या याद रखना है, जो हमारा सेलुलर स्ट्रक्चर है उस सेलुलर स्ट्रक्चर को एक बार देखना है कि क्या मिलता है हमको किसी भी ऑर्गेनिज्म में। सबसे पहले बनेगा क्या, सेल। सेल के कई सारे सेल जब आपस में मिलेंगे तो उससे फॉर्मेशन किसका होता है, टिश्यू का। टिश्यू से क्या बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं, और ऑर्गन्स के बाद कई सारे ऑर्गन्स जब मिलेंगे तो क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा। ऑर्गन सिस्टम्स मिलेंगे तो क्या बनेगा, बॉडी। तो यहां पे हमको ये याद रखना है कि ये जो हमारा एक स्टेज था वो किसने पूरा कर दिया, यहां पे प्रोटीन। तो इस कारण से हमारे पास में आंसर क्या होता है, डी, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गेनिज्म, यानी प्रोटीन के बाद टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग सेल टाइप्स। देखते हैं क्या बता रहे हैं, मोनोसाइट, कॉन्ड्रियोसाइट,
basophil or lymphocyte? How many above belong to the animal cell? तो लगभग मोनोसाइट की बात करते हैं, तो मोनोसाइट क्या हो गया, ये भी हमारे एनिमल सेल्स में मिलेगा। कॉन्ड्रोसाइट भी कहाँ मिलेंगे, तो एनिमल सेल में मिलेंगे। बेसोफिल कहाँ मिलेंगे, तो ये भी एनिमल सेल में मिलेंगे। और लिम्फोसाइट है, ये भी कहाँ मिलेंगे, एनिमल सेल्स में। तो इस की वजह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी चारों ही किसकी बॉडी में मिलते हैं, एनिमल सेल में, या किससे रिश्ता रखते हैं, ये किससे इनका रिलेशन है, तो सभी का रिलेशन किससे है, एनिमल सेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम विच अमंग द फॉलोइंग इज इन द रोल ऑफ पेनक्रिया, सॉरी इज द रोल ऑफ पेनक्रियाज, यानी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पेनक्रियाज का रोल क्या है। तो पेनक्रियाज का रोल हमें सीधे से पता है कि पेनक्रियाज क्या करता है, एंजाइम्स बनाता है। कौन से एंजाइम बनाता है, तो लाइपेज बनाता है, अमाइलेज बनाता है और प्रोटीएज बनाता है, ठीक है। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। तो कितने एंजाइम्स का फॉर्मेशन करता है, लाइपेज का, अमाइलेज का और प्रोटीएज का, और अल्टीमेटली यही हमारे जो फूड है, जब वो स्टमक से आगे बढ़ेगा तो उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा, यानी उसका जो एसिडिक नेचर बन चुका है वो उसको कम करने का काम करेगा, और साथ ही फूड के इमल्सिफिकेशन और फूड के एब्जॉर्प्शन रेट को बढ़ाने का काम करेगा, ठीक है। तो ये चीज याद रहेगी यहाँ पे। अगला क्या आ रहा है हमारे पास में क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस व्हेन क्रोमेटिन इज ओपन्ड अप। तो हाँ, बिल्कुल सही बात है कि डीएनए रेप्लिकेशन होगा कब, जब क्रोमेटिन खुलेगा। जब हम सेल डिविजन देखते हैं तो सेल डिविजन में स्टेज आती है हमारे पास में, जब हमारी पहली स्टेज जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस का डिवीजन, और उसमें हम देखेंगे कि ये खुलेगा और खुलने के बाद में ही इसमें रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन होता है, ठीक। अगला, क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेस इटसेल्फ इन रॉड शेप क्रोमोसोम। तो हाँ, जब ये अपने आप को खोलता है तो बाद में फिर किसके रूप में दिखेगा हमको, रॉड के शेप में दिखेगा। बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक हैव द सेम प्रोसेस फॉर सेल डिवीजन। तो बिल्कुल गलत बात है, दोनों में ये सेम प्रोसेस कैसे हो सकती है, दोनों ही अलग है, तो तीसरा गलत है यहाँ पे। और पहला और दूसरा हमको क्या लग रहा है, सही। तो पहला और दूसरा हो गया सही, तो आंसर क्या होगा हमारा, केवल वन और टू। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, वन एंड टू। क्यों, क्योंकि ये वाला तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ऐसा तो हो नहीं सकता, तो इस कारण से आंसर हुआ वन और टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन बॉडी वर्क्स इन द पीएच रेंज ऑफ। अब ये सीधा सा फैक्चुअल एक हमारे पास में क्वेश्चन मिलता है, और यहाँ पे हमको ये याद रखना है कि एक मीडियम रेंज मानी जाती है या मीन रेंज हम मान सकते हैं, क्या होती है, 7.4। तो यहाँ पे हम क्या देख लेंगे, ये वाला ऑप्शन जिसका मीन क्या आ रहा है, 7 से 7.8 के बीच में। तो मोस्टली बॉडी जो वर्क करती है हमारा 7.8, एक आइडियल कंडीशन में, ऐसा नहीं कि हमेशा यही हमको मिलेगा। तो एक आइडियल कंडीशन अगर हम देखें तो क्या होती है, 7.4, लेकिन यहां पे किसकी बात की है, रेंज की। तो रेंज क्या हो जाती है, 7.0 से लेके 7.8। तो काफी इजी और सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन रहा हमारे पास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लीव्स ऑफ द मोस्ट प्लांट अपीयर ग्रीन बिकॉज द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन इट। पहला ऑप्शन है एब्जॉर्ब्स रेड लाइट एंड ब्लू लाइट व्हाइल रिफ्लेक्टिंग ग्रीन लाइट, ठीक है। अगला, एब्जॉर्ब्स ग्रीन लाइट ओनली, यानी केवल जो प्रकाश में हरी लाइट होती है उसी को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब्स ग्रीन लाइट व्हाइल रिफ्लेक्टिंग रेड एंड ब्लू। फिर डी है हमारे पास, रिफ्लेक्ट्स रेड लाइट एंड एब्जॉर्ब ब्लू लाइट। अब यहां पे हमको एक चीज तो याद है कि लाइट में हमको क्या मिलता है, अलग अलग कलर, जिसमें कौन सा हो जाएगा, विबग्योर, ये सीक्वेंस तो हमको याद ही है, ठीक। ये अलग अलग कलर व्हाइट लाइट बनाते हैं, तो पौधे जो है उनकी पत्तियां वो कौन सा कलर जो है एब्जॉर्ब करती है और कौन सा रिफ्लेक्ट करती है। तो सीधी सी बात, हमको एक कॉन्सेप्ट यहां से याद होगा कि हम केवल वही कलर्स देखते हैं जो किसी चीज से रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों में जा रहे हैं। तो यहां से हम आंसर बता सकते हैं कि वो क्या कर रही है, वो ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो
यहां तो आंसर एब्जॉर्ब ग्रीन लाइट, ये भी नहीं हो सकता, एब्जॉर्ब ग्रीन लाइट ये भी नहीं हो सकता, रिफ्लेक्ट रेड एंड एब्जॉर्ब ब्लू ग्रीन। तो अगर ये रेड रिफ्लेक्ट कर रहा होता तो पत्तियां कैसी दिखती, लाल कलर की। लेकिन ऐसा नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सॉरी ऑप्शन ए एब्जॉर्ब्स रेड एंड ब्लू लाइट व्हाइल रिफ्लेक्टिंग ग्रीन लाइट। तो इसी कारण से पौधे की पत्तियों का कलर कैसा दिखता है हमको, ग्रीन। आइए अगला क्वेश्चन। इन मोस्ट प्रोकैरियोट्स द क्रोमोसोम नंबर इज, तो सीधा सा एक क्लास में भी हम इसमें डिस्कस करते हैं कि प्रोकैरियोट्स में जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल होंगे उन सभी में क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा, हमेशा एक होगा। तो ये चीज बिल्कुल क्लियर मिलती है हमको और काफी अच्छा फैक्चुअल क्वेश्चन। अब ये थोड़ा सा ना घुमावदार क्वेश्चन आता है हमारे पास। घुमावदार कैसे कि यहां पे ना इन्होंने सेल सॉरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्या कह दिया है, एनी स्कैफोल्ड। तो ये शब्द आप देख रहे हो एनी स्कैफोल्ड, तो ये किसको डिनोट करता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। बैक्टीरियल डीएनए इज रिफर्ड टू द सॉरी टू एज नेकेड बिकॉज इट इज नॉट एसोसिएटेड विथ। अब यहां पे टर्म्स को समझ लेते हैं कि जब हम एक बैक्टीरियल सेल को देखते हैं तो उसका डीएनए जो है या उसका जेनेटिक मटेरियल जो है उसमें फैला होगा, यानी इसके आसपास में आपको कोई सेल मेम्ब्रेन सॉरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मिलेगा। तो ऐसे हम क्रोमोसोम्स को या ऐसे जेनेटिक मटेरियल को हम क्या कहते हैं, नेकेड। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन क्या कह रहा है कि नॉट एसोसिएटेड। याद क्या रखना, हमको ऐसे शब्द जब फंस जाते हैं बहुत सी बार क्वेश्चन हम ध्यान नहीं देते, तो इन चीजों पे हमको बहुत ध्यान देना हो। तो पूछ क्या रहा है, नॉट एसोसिएटेड। तो नो नॉट एसोसिएटेड में क्या चीज, पहला एन स्कैफोल्ड, दूसरा प्रोटीन्स राइबोसाइम्स और प्लाज्मिड। तो प्रोटीन्स मिलेगा, राइबोसाइम्स मिलेंगे और प्लाज्मिड भी मिलेंगे। तो केवल क्या नहीं मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए एनी स्कैफोल्ड, यानी इसके आसपास में कोई मेम्ब्रेन नहीं है, बस शब्द को क्या किया गया है, थोड़ा सा चेंज किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 123 में क्या मिल रहा है। विच अमंग द फॉलोइंग सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट अ फॉरेन एंटीजन। तो यहां पे हमको बॉडी में ये बताना है कि कौन सा WBC का टाइप है जो क्या बनाता है, एंटीबॉडीज। तो सीधा सा आंसर क्या है हमारे पास में यहाँ पे, लिम्फोसाइट। तो ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन आ गया है सीधा कि कौन बनाता है एंटीबॉडीज, तो कौन बनाते हैं, लिम्फोसाइट्स बनाते हैं। एरिथ्रोसाइट का काम नहीं है, एसिनोफिल्स का काम नहीं है और प्लेटलेट्स का भी काम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो यहां पे खत्म होते हैं हमारे NDA 1 के क्वेश्चंस। अब आगे हम बात करेंगे CDS 1 के क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द वैक्सीनेशन दैट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट एन इंफेक्शियस डिसीज। तो जो नॉर्मली हमारे वैक्सीन जो है उनके बारे में पूछा गया है कि वो क्या करते हैं। ठीक, इट ब्लॉक्स द एंट्री ऑफ इंफेक्शन इंफेक्शियस एजेंट इन टू आवर बॉडी। तो बिल्कुल ही बेतुकी सी बात है कि कैसे कर सकता है, वो तो एंटर कर ही सकते हैं। इट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज अगेंस्ट इंफेक्शन। तो हाँ, ये करेगा कि जैसे ही हमको वैक्सीन लगाया जाता है उसके कुछ समय बाद हमारी बॉडी में उस पर्टिकुलर डिसीज के लिए एंटीबॉडीज जनरेट होने लगती है और वही एंटीबॉडीज हमको क्या करती है, इंफेक्शन से बचाने का काम करती है। तो सेकेंड स्टेटमेंट सही है। इट किल्स द इंफेक्शियस एजेंट व्हेन इट एंटर्स इन आवर बॉडी। तो किल तो नहीं करता, किल का काम कौन करेगा, WBC करेगा। तो यहां पे आंसर क्या होता है हमारे पास में, ओनली टू, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेल इन ह्यूमन बॉडी हैव नो न्यूक्लियस। तो ये क्लास में भी हम कई बार डिस्कस करते हैं कि कौन सा सेल जो है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, तो कौन से सेल में नहीं होता है, RBC में। इसमें RBC में कोई भी टाइप का न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जो कि आपको याद रखना। दो जीव जिनकी बॉडी में, दो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में RBC में आपको क्या मिलेंगे, आपको न्यूक्लियस मिलेंगे, वो है लामा और कैमल। ऊंट और लामा, ये दो जीवों में आपको क्या मिलता है, यानी उनकी RBC में क्या मिलता है, न्यूक्लियस मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूज ऑफ प्लास्टिक
has led to a number of environment related problems. For this, which one of the following statement is correct? तो यहां पे देखते हैं कौन सा सही है. ठीक है, प्लास्टिक के यूज के आधार पे हम देखते हैं कौन सा. दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल. ठीक है, तो क्या पूछ रहा है? करेक्ट पूछ रहा है ना. ध्यान क्या रखना हमको यहाँ पे, फिर से वही चीज, ये जो लास्ट में टर्म्स आती है ना, ये बहुत सी बार हमारे क्वेश्चन को लिप करवा देती है. तो इनको ध्यान से देखिएगा, आने वाले समय में भी इसको ध्यान रखिएगा, और जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो उस समय भी इसको ध्यान रखिएगा. दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो हाँ ये बिल्कुल करेक्ट है कि हाँ ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी समय के साथ डिग्रेड नहीं होते. दे डू नॉट गेट रिलीज इन टू वॉटर एंड फूड, तो ये बिल्कुल गलत बात है. ये रिलीज होते हैं. कैसे? तो हमने कई बार एक शब्द सुना होगा कि भोजन में और पानी में क्या मिल रहा है, यानी फूड में और वाटर में क्या मिलता है, माइक्रोप्लास्टिक मिलने लगे. और ये माइक्रोप्लास्टिक कहां से आते हैं? तो इन्हीं की वजह से आते हैं, यानी अलग अलग जो हम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं. जैसे कि कई बार पानी की बॉटल को हम कई लंबे समय तक हीट के पास में रखें तो उसमें माइक्रोप्लास्टिक्स रिलीज हो जाते हैं, तो वो अल्टीमेटली हमारी बॉडी में एंटर करते हैं. ठीक है, दे डू नॉट हैव एनी बायोकेमिकल सिंथेसिस एक्टिविटी, तो हाँ इनके पास कोई भी बायोकेमिकल ऐसी एक्टिविटी या सिंथेसिस एक्टिविटी नहीं है, इनको हम बनाते हैं. ठीक, दे आर हार्मलेस टू ह्यूमंस, तो ये तो बिल्कुल ही गलत बात है, बहुत तरीकों से हमारे लिए हार्मफुल है. ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे? केवल ऑप्शन नंबर ए, बाकी सारे इसके रिगार्डिंग सही नहीं. ठीक है, तो केवल एक सही है. यहाँ पे लिखा क्या है? हार्मलेस, तो इसमें कंफ्यूज मत होना. कई सारे इसको हार्मफुल और हार्मलेस में कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ऐसे छोटे छोटे शब्द कभी कभी ना हमको कंफ्यूज कर देते हैं, हड़बड़ी. तो एग्जाम के समय में हमको ये नहीं करना है. अगला क्वेश्चन, माइक्रोबॉडीज फॉर्म टू बी प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल सेल कंटेन्स, तो सीधी सी बात है, माइक्रोबॉडीज में क्या मिलेगा? एंजाइम्स मिलेगी. तो जितनी भी माइक्रोबॉडीज एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स में मिलती है उनमें क्या होता है? एंजाइम्स. ठीक है, अगला, एन एंटीबैक्टीरियल एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा एंड टीयर, यहां पे दोनों की बात कर रहा है, तो इसलिए हम क्या कह देंगे? देखो कौन मिलेगा दोनों में? लाइसोजाइम. अब लाइसोजाइम दोनों में ही होता है, और क्या होता है? एंटीबैक्टीरियल, यानी हमारे जो टीयर्स है उनमें भी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी लाने का काम कौन करता है? लाइसोजाइम. और हमारी सलाइवा में भी ये काम कौन करता है? लाइसोजाइम. तो ये चीज क्लियर रहेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 28, विच सेट ऑफ वेजिटेबल इज अंडरग्राउंड स्टेम, क्या बोल रहा है? अंडरग्राउंड स्टेम और दूसरा मॉडिफाइड स्टेम, तो दोनों ही पूछा है. ठीक, अंडरग्राउंड स्टेम या मॉडिफाइड, तो दोनों के तरीके हम देख लेते हैं. पहला, पटेटो, आर्टिचोक, राउंड गार्ड, तो ये नहीं हो सकता, राउंड गार्ड नहीं है और आर्टिचोक भी नहीं है. ओनियन, गार्लिक, कैरेट, ठीक है लेकिन कैरेट रूट होता है. पोटेटो, ओनियन, गार्लिक, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर. ठीक है, ये पोटेटो, ओनियन और गार्लिक तीनों ही क्या है? मॉडिफाइड स्टेम या अंडरग्राउंड स्टेम. ठीक, और यहां पे टर्निप जो है वो रूट है, तो इस कारण से ये आंसर हमारा सी हो जाएगा, पोटेटो, ओनियन एंड गार्लिक. नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ डेंगू फीवर is a mosquito borne virus which belongs to which one among the following categories? तो डेंगू जिसमें हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स का काउंट बहुत कम हो जाता है, तो वो कौन सी कैटेगरी से रिलेट करता है? उसका जो वायरस है तो वो किससे करता है? फ्लेविराइबो वायरस. ठीक है, तो सीधा से इसको याद रखना, किससे करता है? फ्लेविराइबो वायरस से. ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग आर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर रिलीज, तो इनमें से कौन ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिलेटेड है? तो कौन होता है? प्लेटलेट्स. आरबीसी का इससे कोई लेना देना नहीं है, एसिनोफिल्स का कोई नहीं, मोनोसाइट्स का भी कोई नहीं. यहां पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा? प्लेटलेट्स. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पल्स इज फेल्ट ड्यू टू द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ पल्स. अब ये पल्स किसकी बात कर रहा है? जो हम नसों में यहां नर्व्स वगैरह जो बात होती है कि हमको जो फील होता है, ये जो हम बहुत सी बार टेस्ट करते हैं यहां वगैरह वगैरह, तो ये नर्व्स की या पल्स की बात कर रहा है. तो पल्स किसके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से होती है? तो एओर्टा
और मेन आर्टरीज। तो जब ब्लड पंप होता है तो किस पे जोर आता है? एर्टा पे और मेन आर्टरीज पे, क्योंकि बॉडी में यही तो लेके जाता है। इसी के कारण हमको यहां पे आंसर क्या मिलेगा? एओर्टा और मेन आर्टरीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन एग्स आर हीटेड द ट्रांसपेरेंट लिक्विड पोर्शन अराउंड योक टर्न्स सॉलिड एंड टर्बिड वाइट। दिस हैपेंस ड्यू टू द थर्मल डीनेचुरेशन ऑफ। तो क्या कह रहा है कि जब अंडे को गर्म किया जाता है तो ऐसी कंडीशन में अंडे का जो योक के आसपास वाला पोर्शन है वो थोड़ा सा सॉलिड टाइप का, या कहें कि थोड़ा जमने सा लगता है। तो ऐसा क्यों होता है, या किसके जमने से होता है, या डीनेचुरेशन से होता है? तो किसके होता है? प्रोटीन से। नॉर्मल सी बात, हमको पता ही है कि व्हाइट पार्ट में आपको क्या मिलता है, तो प्रोटीन मिलता है। तो यहां पे हमारे CDS और NDA के 2024 के फर्स्ट पेपर के हो जाते हैं क्वेश्चन कंप्लीट। और मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आगे भी हम इसी तरह से हमारे PYQ सीरीज को कंटिन्यू रखने वाले हैं, जिसमें अलग अलग सारे सब्जेक्ट्स कवर होंगे। और ये जो आपको पूरा मैटर है वो हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।